हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी प्री क्रैश कोर्स में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी प्री नज़ीक आ रही है, प्री के स्पेशल टॉपिक्स को आपको याद दिलाने के लिए, उनका रिवीजन करवाने के लिए सीरीज चलाई जा रही है। और डेफिनेटली इसको आधार बना करके आप इसका यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिविज़न करें। तो इसके लिए हम आपको ये ज्योग्राफी का वीडियो दे रहे हैं और ज्योग्राफी का वीडियो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी को डेवलप करेगा। आप इसको अंत तक जरूर देखें और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए आप इसको अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आज हम ज्योग्राफी की रिविज़न की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, आज हम जो अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी को कम्प्लीट किया था, उसी में हमने भारत के संदर्भ में आज भारत की मिट्टियों को देखेंगे। और अगर भारत की मिट्टी, मैंने आपको बताया था कि मिट्टियाँ बताई थी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, कि पोर्जोलीकरण के माध्यम से कैसे मृदा बनती है या लेटरीकरण के माध्यम से कैसे बनती है, ये चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर काम आएंगी। जब यहाँ पर आप देखोगे तो कई चीज़ें आप उनसे लिंक करना, ताकि आपको कुछ चीज़ें पता लग जाए और ज़्यादा याद रखने में दिक्कत ना आए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा भारत में मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। यानी कि हालांकि भारत की जलवायु विविधता है, भारत का अगर देखें तो उसकी स्थलाकृति विविधता है ना, भारत में आप देख सकते हो एक और हिमालय पर्वत पाया जाता है, मतलब कुल मिलाकर के भू आकृतिक विविधता भी है भारत में, जलवायु विविधता भी है, वनस्पति विविधता है। तो इस आधार पर भारत की जो मृदा निर्माण की प्रोसेस है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इसमें 8 मृदा हैं, 8 वर्ग की मृदा हैं, उनको विभाजित किया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जलोढ़ मृदा को अगर देखें तो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से नदियां हैं, उनमें अगर देख सकें 3 नदी तंत्र देखें उसमें, एक सतलज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और तथा इनके द्वारा, इनकी जो ना ये नदी है मुख्य नदी और इनकी सहायक नदियों द्वारा, जब अपने साथ भागकर विभिन्न प्रकार की जो बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है और उसको अपने तटवर्ती क्षेत्रों में जमा कर दिया जाता है, तो वो मृदा निर्मित होती है जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। ये अक्षेत्रीय इसलिए कहा जाता है इस मृदा को, इसे अक्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि दूसरे क्षेत्र की मृदा को बहाकर किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाती है, इसलिए, है ना। और जलोढ़ मृदा को लोएस्ट मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी डायरेक्ट सवाल आता है किस किसे लोएस्ट मिट्टी कहा जाता है जलोढ़ मृदा को। अब जलोढ़ मृदा की विशेषता देखना अपना, कि इसको कणों के आकार, कणों के छोटे महीन बड़े, कणों के आकार और इसकी आकार और इसकी आयु के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन से हैं, एक है खादर और एक है वांगर। खादर जो नई जलोढ़ मृदा है, जो प्रतिवर्ष नदी अपने साथ लाकर के उस तटवर्ती क्षेत्रों में गिरा देती है, और वांगर मृदा वहाँ होती है जहाँ पहले नदी उस क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, अब वहाँ से नदी ने अपना रास्ता बदल दिया या रास्ता वहाँ नदी का जल अब नहीं पहुँच पाता है, तो उस क्षेत्र में जो मृदा जमी हुई थी पहले की, उसको बोलते हैं हम वांगर। और ध्यान रखना, खादर की तुलना में बांगर कम उपजाऊ होती है, खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मृदा की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना, आपको पता होना चाहिए कि चूना पत्थर को बहा करके लेके आएंगी तो ऑब्वियसली इसमें पाया जाएगा। साथ ही इसमें एक चीज़ है कि नाइट्रोजन तत्व और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये नदी के क्षेत्रों में होते हैं, तो नदी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर डेफिनेटली कि जो जैविक तत्व है वो बहकर चले जाते हैं या उनका लीचिंग हो जाता है, निक्षरण हो जाता है, इसलिए ये जैविक तत्व इसमें नहीं पाए जाते, है ना। इसके अलावा इस शुष्क प्रदेशों में जो ये मृदा होती है, जहाँ पर शुष्क प्रदेशों में इसका होता है, वहाँ क्षारीय तत्व है वो अधिक पाया जाता है। उसका रीजन मैं बता दिया कि शुष्क प्रदेशों में क्या होता है कि वहाँ टेम्परेचर अधिक होना है, की वजह से जो सिलिका है उसका क्या होता है कि वेक्टर वियोजित होकर के वो नीचे चली जाती है, तो तट पर सिलिका की, मतलब सतह पर देखें तो सिलिका की मात्रा नहीं बचती, इसलिए कम बचती है, इसलिए इसमें अम्लता के तत्व के स्थान पर क्षारीय तत्व ज़्यादा पाया जाता है। अगर भारत में देखें तो आप देख सकते हो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें आप देख सकते हो पश्चिमी तटीय मैदान को भी देख सकते हो, उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी नॉर्थ ईस्ट का जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो, और ये नदियाँ मुख्य रूप से नदी घाटों में डेल्टाई भागों को देखें तो उनमें भी मुख्य रूप से ये नदी वाले क्षेत्र हैं, उनमें ये मृदा पाई जाती है। इसके अलावा इस मृदा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मृदा आती है काली मृदा। काली मृदा का निर्माण, अब देखो आपने देखा है, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी दरारों के विस्फोट से जो लावा आया था उससे हुआ है। अब आपको पता है लावा है पृथ्वी के अंदर से आया, तो लावा की वजह से इसमें क्या होता है कि इसका रंग है वो इसमें काला और कणों की बनावट थोड़ी कहीं महीन होती है इसके अंतर्गत,
और ये मृदा सबसे ज़्यादा यह है कि ये बहुत चिकनी होती है और लावा प्रधान होती है और साथ ही उपजाऊ भी बहुत होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पृथ्वी के अंदर से ला करके मैग्मा के रूप में यहाँ पर जमा हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार जो आग्नेय चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है ज्वालामुखी से निर्मित होती है, तो उसमें भी किसी प्रकार के जीवाश्म पदार्थ नहीं पाए जाते, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जीवाश्म पदार्थ फास्फोरस और जो नाइट्रोजन जैसे तत्व हैं उनकी कमी पाई जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में जो धात्विक खनिज है जैसे चूना, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, ऐसे पदार्थ हैं उनकी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है ना, काफ़ी टाइम तक ये जल को स्टोर करके रख लेती है और चिकनी हो जाने के कारण जल के सूख जाने से इसमें दरार पड़ जाती है, क्योंकि चिकनी है, जब जल सूख जाएगा तो फट जाती है, थोड़ी सी बीच में से दरारें पड़ जाती है, तो वो इस मृदा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और काली मृदा आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस होती है कपास के लिए, गन्ने के लिए, गेहूं के लिए भी ये अच्छी खासी होती है, ज्वार, चावल, तंबाकू, मूंगफली भी इसमें अच्छी खासी होती है। और यह एक क्षेत्रीय मृदा है, क्यों क्षेत्रीय मृदा है, क्योंकि जब लावा आया बाहर आकर के तो क्षेत्र विशेष में जम जाने से इस मृदा का निर्माण हुआ। इस मृदा को काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली मृदा हमेशा कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। अगर इसका विस्तार देखें तो मैंने बताया दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर पठारी क्षेत्र होगा वहाँ वहाँ पर ये मृदा पाई जाएगी, जैसे दक्षिण महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्वी गुजरात है ना, ये दक्षिण पूर्वी गुजरात अगर देखोगे और इसे राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी हिस्सा देखोगे तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पश्चिम हिस्सा है जो पठारी क्षेत्र है, आपको पता है, जैसे राजस्थान में बूंदी का पठार वाला हिस्सा हो गया, उत्तरी आंध्र प्रदेश का पठार, दंडकारण्य वाला पठार आ गया, यहाँ पर कर्नाटक वाला क्षेत्र, तो पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से ये मृदा पाई जाती है। और इसका सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में होता है। इसके अंतर्गत जो नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां हैं इनकी घाटियों में भी ये मृदा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इतना ही नहीं, ऐसा मानते हैं कि लगभग 60 मीटर तक की गहराई में मृदा पाई जाती है। कर्नाटक की काली मिट्टी में नमक के कण भी पाए जाते हैं इस मृदा में, जो केवल कर्नाटक पाए जाते हैं और जगह उसके ज़्यादा वो नहीं है। तो काली मिट्टी की जो विशेषता है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल है, ध्यान रखना, मृदाओं से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और सवाल आपसे पूछ लीजिएगा एक तो इसकी विशेषताओं से, सवाल आपको इसलिए सुनिए, विशेषता ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा तत्व इन्हें पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता। दूसरा, लोकेशन से संबंधित कि कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है ना। और तीसरा, किस फसल के लिए, किस फसल के लिए होती है। ये तीन चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, मृदा पढ़ते टाइम ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब जितनी भी मृदा है उनमें ये चीज़ आपको देखना है बस। जैसे लाल पीली मिट्टी आई, अब तो लाल पीली मिट्टी की अगर मैं बात करूँ तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो अपक्षय के प्रभाव में जो ग्रेनाइट पत्थर होती है या नीच होती है वो चट्टानों का टूटने के कारण इसमें बनती है, और इसमें लोहे के ऑक्साइड मिलने के कारण इसका रंग लाल होता है और साथ में पीला है। वो किसकी वजह से होता है, ऑल्विन और फेल्सपार की महीन कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। लाल होने के कारण ऑक्साइड है और पीला होने के कारण है फेल्सपार और ऑल्विन, ठीक है ना। इसकी वजह से इनमें लोहा और ऑक्साइड है वो पाया जाता है। इसकी विशेषता अगर देखें तो ये अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होती है, चाहे वो चट्टानें कायंत्रित भी हो सकती है, चट्टानें आग्नेय भी हो सकती है और चट्टानें अपसरण भी। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका संरचना है वो अलग अलग है और इसी कारण इसकी उर्वरकता शक्ति वो भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। इसके अलावा ये शुष्क ऊँचे मैदानों में उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना पत्थर की मात्रा की पाए जाते हैं। लोहा, एल्युमिनियम ऐसे की वजह से इसका होता है, लोहा ऑक्साइड होकर के लाल रंग होता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस के तत्व कम पाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी आग्नेय चट्टानों वाला हिस्सा रहता ज़्यादा, और आग्नेय चट्टान है उनका हिस्सा रहता है इसमें, और वो तत्व है वो इसमें कम पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बारीक और गहरी होने की वजह से, इसके कण बहुत बारीक होते हैं, तो उपजाऊ क्यों होती है बारीक मिट्टी, क्योंकि बारीक मिट्टी है उसमें एक बैलेंस होता है, मैंने बताया था आपको, पारगम्यता और सरंध्रता का, जो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। मैंने जब आपको मृदा निर्माण पढ़ाया था फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, उसमें आपको दो शब्द बताए थे, पारगम्यता और सरंध्रता। तो पारगम्यता और सरंध्रता, पारगम्यता का मतलब है क्रॉस हो गए, यानी मोटे मोटे कण हैं तो पानी उसमें रुक नहीं पाता है, तो पानी सब बहकर के चला जाएगा, और सरंध्रता में इतने महीन कण होंगे कि पानी ऊपर ही जम जाएगा, नीचे जाएगा नहीं। तो कृषि करने के लिए अगर फसल में पानी एक तो रिस्क पूरा ही चला गया तो अभी उसमें फसल नहीं हो पाएगी, और या सतह पर जम गया तो फसल गल जाएगी। तो इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, वही भूमि क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। तो इसीलिए जो बारीक और गहरी महीन वाली भूमि है ये भी मृदा है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है इसके लिए।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि इस मृदा का यूज है वो गेहूँ, धान, इनकी खेती है, आलू और मोटे अनाज की खेती है वो मुख्य रूप से इस लाल और पीली मिट्टी में की जाती है। अगर इसका भारत के देखा जाता है, भारत का जो तमाम प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत है उसमें पाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा MP, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का क्षेत्र और मेघालय का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से उसमें ये मृदा पाई जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, झारखंड में, राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में, इन क्षेत्रों में सीमित लेवल पर ये मृदा है वो पाई जाती है, लेकिन इसका मेन है वो मध्य भारत का क्षेत्र देख सकते हैं हम, वहाँ पर ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लेटराइट हैं तो अगर आपने लेटरीकरण प्रोसेस की वजह का तरीका अगर आपने समझ में आ गया होगा तो ये वही मृदा की विशेषता ऐसे में होंगी जो लेटरीकरण से बनने वाली मृदा होती है। तो देखो मैंने बताया था कि ये कहाँ पर होती है, जहाँ पर नमी होती है और शुष्क भी होता है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले क्षेत्र हैं उनमें यही मृदा पाई जाती है। ये मिट्टियाँ चट्टानों के टूटने और रासायनिक क्रिया से बनती हैं। अधिक वर्षा के कारण, यह मैंने बताया था कि वर्षा अधिक होती है इसलिए सिलिका जैसे तत्वों का इसमें क्या होता है, निक्षलन हो जाता है, परिणामस्वरूप वो इसमें नहीं पाए जाते और इसकी सतह पर लोहा और एल्युमिनियम तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका भी रंग थोड़ा सा लाल होने लग जाता है ऑक्साइड की वजह से। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो पहाड़ी एरिया में पाई जाने वाली लेटराइट और एक निम्नवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटराइट। पहाड़ी एरिया में जो लेटराइट पाई जाती है बहुत ही मिट्टी उसकी शुष्क और कम उपजाऊ होती है और क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। निम्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है उसकी वो चिकनी भी होती है और दोमट भी होती है और उसकी जल धारण, क्योंकि वो चिकनी होने की वजह से उसमें क्या होता है कि जल धारण क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है और जल धारण क्षमता ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। अगर ये मृदा आपको बताऊँ तो इस मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर तापमान भी बहुत होता है, बरसात हो जाता है, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो इसमें क्या, दोपहर पहले तेज़ धूप पड़ेगी, दोपहर बाद तेज़ बरसात होगी तो ये सूखती है फिर गीली होती है, सूखती है फिर गीली होती है, तो इससे थोड़ी ये अनुपजाऊ हो जाती है। लेकिन जो निम्न भूमि वाले क्षेत्र है उसमें इसे उपजाऊ पाई जाती है, ठीक है ना। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी पाई जाती है, मैंने बताया था कि सब बहकर के निक्षारण से नीचे चला जाते हैं। ह्यूमस भी नहीं पाया जाता क्योंकि निक्षारण हो जाता है। चूने की कमी पाए जाने की वजह से ये क्या है, सिलिका के तत्व यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है इसलिए अम्लीय होती है, है ना, और अम्लीय होने के कारण चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है ना। एल्युमिनियम लोहे तत्व मैंने बताया था कि इसमें बने रहते हैं, ठीक है ना, और बाकी अन्य सारे तत्व हैं वो निक्षालन की वजह से बह करके नीचे चले जाते हैं। अगर भारत में इसके विस्तार को देखें तो भारत में ये मुख्य रूप से यह मृदा कर्नाटक और महाराष्ट्र में काजू की खेती के लिए बहुत फेमस है, तमिलनाडु की पश्चिमी घाट में चाय के लिए बहुत फेमस है, केरल में और दक्षिणी कर्नाटक में यह कहवा के लिए बहुत फेमस है। इसलिए इस भूमि, इस मृदा की मुख्य रूप से देखेंगे तो रबर, काफ़ी, चाय, ये जैसी जो मसाले, इनमें मुख्य रूप से अगर देखें तो लेटरीकरण की वजह से लेटराइट मृदा है इसका मुख्य रूप से क्या कहता है, ये मृदा में इस प्रकार की फसलें उत्पादित होती है। इसलिए भारत में आप देखोगे जहाँ जहाँ पर बरसात अच्छी खासी होती है वहाँ वहाँ पर यह मृदा पाई जाएगी, जैसे पूर्वी और पश्चिमी घाट हो गया, राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल वाला क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है केरल में, ये ध्यान रखना। तो लेटराइट मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत में केरल में। इसके बाद पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा आपको बताया पतली होती है, दलदली होती है और ये पहाड़ियों की तलहटी में छिद्र में बलुई और कम उपजाऊ टर्शियरी मृदा है। अच्छी किस्म की चाय, पर्वतीय मृदा असम की अच्छी किस्म की चाय और फल पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चाय आप देख सकते हो पश्चिमी हिमालय के ढालों पर उपजाऊ श्रेणी की काली मिट्टी ये पाई जाती है और इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, ठीक है ना। पोटास में और फास्फोरस तत्व इसमें कम पाए जाते हैं और मृदा अपरदन की समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो वहाँ से अगर जल बहता है तो ये उसके साथ बह करके चली जाती है, या अगर आप कह सकते हो कि अगर कहीं बर्फीले टीले हैं वो बह के जाते हैं हिमालय क्षेत्रों में तो वो भी इसको क्या कर देते हैं, अपरदन कर देते हैं। इसके बाद लवणीय या क्षारीय मृदा है, तो अगर आपने कैल्सीकरण वाली मृदा की प्रोसेस पढ़ी होगी तो वो इसी तरीके से होती है, उसमें लवणीय क्षारीय मृदा का निर्माण कैल्सीकरण की प्रोसेस से होता है। ये मृदा है इसमें नाइट्रोजन और चूने पत्तों की कमी पाई जाती है, चूने की, साथ ही समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। ज्वार के उच्च ज्वार के समय नमकीन जल की भूमि पर फैलने के कारण इनका निर्माण होता है, क्योंकि जैसे ज्वार आता है और ज्वार आने की वजह से ज्वार अपना पानी है वो तटवर्ती क्षेत्रों के मतलब स्थलीय भागों में अंदर तक ले जाता है, तो विभिन्न प्रकार के लवणीय तत्व लेकर आ जाता है और इसलिए नमकीन जैसे तत्वों को लेकर आता है, इसलिए इस भूमि का, इस मृदा का निर्माण तटवर्ती क्षेत्रों में हो जाता है।
शुष्क जलवायु प्रदेशों में आपको पता है कि तट सतह जो धरातल की मतलब जो पृथ्वी की सतह वाला क्षेत्र है, क्रस्ट वाला क्षेत्र है या मृदा के ऊपरी सतह वाला क्षेत्र है, वो सूखा रहता है। अब आपने देखा होगा अंदर का जो मृदा की सतह है वहाँ पर जल की मात्रा पाई जाती है तुलनात्मक रूप से, तो केसी का जो प्रोसेस है उसके माध्यम से जल है और इस करके ऊपर की ओर लेता है, तो इससे क्या है कि नीचे के लवणी तत्व हैं वो सतह पर आकर के यहाँ पर जम जाते हैं, इसलिए इसमें लवणी तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये मृदा अगर देखें हम तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान जहाँ पर शुष्क एरिया पाया जाता है वहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाएगी। शुष्क एरिया या तटवर्ती एरिया, दो चीज़ इसमें होती है। तटवर्ती एरिया में लवणी मृदा होती है और शुष्क एरिया है वहाँ पर कैल्सीकरण की प्रोसेस के बाद लवणी मृदा का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम, मैंने बताया था कैल्सीकरण होता है, कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण मृदा कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना। और जिप्सम मिलाकर के इस मृदा को थोड़ा उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके बाद भारत में एक मृदा आती है सातवें नंबर पर, सबसे इम्पोर्टेंट मरुस्थली मृदा जो राजस्थान के मुख्य रूप से थार के मरुस्थली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में लोहे और फॉस्फोरस तत्व अच्छे खासे पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि मरुस्थली क्षेत्रों में ह्यूमस का जो स्रोत है वो नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और ये भी एक तरह से क्षारीय मृदा है। और सिंचाई के संसाधन अगर इसको उपलब्ध हो जाए तो इससे अच्छे खासी उत्पादन हो जाता है, और ये मुख्य रूप से देख सकते हो आप पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो ये मृदा है मरुस्थलीय मृदा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद अंतिम जो मृदा है पीट या जैविक मिट्टी के नाम से बोलते हैं, ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बरसात और उच्च आर्द्रता वाली हो, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, बरसात हो, ऐसी स्थिति में वो क्षेत्र कैसे होते हैं, दलदली क्षेत्र। और इसलिए इस मृदा में काली रंग है वो काला होता है और बहुत अधिक अम्लीय होती है क्योंकि इसमें सिलिका के तत्व पाए जाते हैं, बाकी अन्य तत्व बहकर के चले जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो विषमतले की सदाबहार क्षेत्रों की जो जलवायु मृदा की विशेषता है वो यहाँ पर अधिक पाई जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ बात में आने का, यहाँ पर बरसात होती है लेकिन यहाँ पर जीवाश्म अंश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी जीवाश्म में से कुछ बहकर के भी चले जाते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर ह्यूमस पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो जीवाश्मों की अधिकता की वजह से इस मृदा में ह्यूमस के तत्व पाए जाते हैं और इसी कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। मृदा में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। फॉस्फोरस एल्युमिनियम सल्फेट से अधिक होने के कारण ये मृदा विकास पौधे के विकास के लिए थोड़ी हानिकारक हो जाती है। पोटाशियम की इसमें कमी होती है और मुख्य रूप से ये केरल, उत्तराखंड मतलब कुछ विशेष क्षेत्र भारत की उसमें पाई जाती है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा है ना, उत्तराखंड का अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है और केरल का एलप्पी वाला क्षेत्र जैसे अलप्पुझा जिले में पाया जाता है, तो वहाँ पर मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है। तो आपको इन मृदाओं में तीन चीज़ें पढ़नी है कि पहली बात ये कहाँ पर पाई जाती है, दूसरी बात इसकी विशेषता क्या है, और तीसरी बात ये किस किसी के लिए किस प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गई भारत की मृदा जहाँ से सवाल आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है, इनको एक बार आप अच्छे से देख लें। इसके बाद आते हैं भारत में कृषि। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो भारत में कृषि को देखते हैं, यहाँ से भी संभावना है। कृषि आपने वैसे एक इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में होती है, लेकिन ज्योग्राफी के वाले पार्ट के हिसाब से इसको देखेंगे हम, तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में हम फसलों को देखेंगे, कौन कौन सी फसल है, कहाँ कहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है और उन फसलों के लिए क्या क्या अनुकूल दशा है, यहाँ से सवाल आते हैं। कई बार आपको पूछ लेंगे कि जैसे जूट है कितनी वर्षा चाहिए, कितने तापमान पर होती है, कौन सी मृदा चाहिए, तो वो चीज़ आपको इसमें याद करनी है। भारतीय कृषि की एक हमेशा विशेषता रही है कि भारत ने कभी कृषि को बिजनेस के रूप में या कॉमर्शियल फसल के रूप में यूज नहीं किया, इसको केवल एक निर्वाह का प्रकार माना, बस कि खान पीन के लिए हो जाए बस। और आपको पता है भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बहुत दबाव है, ये कृषि की कॉमन विशेषता है जो आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में कृषियों को ऋतुओं के अनुसार कृषि फसल के अगर प्रारूप पर देखें तो तीन फसलों का उत्पादन किया जाता है भारत में, एक होती है खरीफ, एक होती है रबी और एक होती है जायद। खरीफ की अगर मैं फसलों की बात करूं तो इनको अधिक जल की जरूरत पड़ती है और अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, तो जिस टाइम ये होता है उसी टाइम इन बरसात होती है, जैसे जून और जुलाई में इनकी बुवाई होती है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। इनके अंतर्गत अगर प्रमुख फसलें हम देखें तो ज्वार, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, ये है, हरी मिर्ची, प्याज, जितनी भी फसल है वो मुख्य रूप से खरीफ की इस फसल के दौरान की जाती है ये वाली। इसके बाद रबी की फसल आती है, ये मुख्य रूप से शरद ऋतु में उगाई जाती है और इसकी जलवायु अगर बात करें तो इसके लिए जरूरत ऑब्वियसली ठंडी जलवायु की जरूरत पड़ती है और थोड़ा बहुत जब ये पकने का टाइम आता है तब इसको थोड़ा गर्मी की जरूरत पड़ती है, तापमान जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसकी बुवाई अगर देखें तो नवंबर में होती है
और अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। इसमें आप देख सकते हो गेहूँ, चना, सरसों, चावल। दक्षिण भारत में जो चावल है वो रबी की फसल होते हैं, जबकि उत्तर भारत में नॉर्मल देखा जाता है तो चावल की फसल है वो खरीफ के रूप में की जाती है, ठीक है ना। इसमें जायद की अगर फसल देखें तो ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, और जो भारत में जो गर्मियों का टाइम बसता है ये अप्रैल से मई जून जुलाई के अप्रैल मई और जून तक के बीच में, उस दौरान ये जायद की फसल है ये की जाती है। और इसमें मुख्य रूप से ये तरबूज, ये मूंग, उड़द ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है, और ये मार्च से जून के बीच में इनका उत्पादन होता है, मतलब इनको बुवाई, मतलब मार्च में इनकी बुवाई होती है और जून में इनका यूज किया जाता है फसल के रूप में, मतलब इनका फल दे देती है। तो इस तरीके से इनका आप ध्यान रखना, ये तो आप सभी जानते होंगे इनको। तो इसके अलावा फसलों का वर्गीकरण अगर उनका किया जाए फसलों का, तो खाद्यान्न फसलें जो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें हैं उनमें चावल है, गेहूँ है, मक्का है, ये हो गए। नगद फसलें जो पैसे कॉमर्शियल यूज में की जा सकती है उनको, जैसे कपास, जूट, गन्ना, मूँगफली हो गई। रोपण फसलें जो रोपण की विधि के आधार पर रोपा जाता है उनको, जैसे मतलब पहले तो बीज है, मतलब उसके माध्यम से उनकी नर्सरी में उगाया जाता है और उसके वहाँ से उगा करके उसको खेतों में रोपण किया जाता है, तो उसमें होती है चाय, कहवा, मतलब कॉफ़ी, नारियल और रबड़ और मसाला। और अगर बागवानी देखें तो उसमें आपको पता है सेब, आम, केला, जो ये हैं ये सारी किस्म आती है, रसदार फल है, ये सब बागवानी फसलों में है। अब आपको ये फसल जितनी भी अब मैं आपको बताऊँगा, इन फसलों आपको दो तीन चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो भारत में उनका उत्पादन कितना होता है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं, और तीसरा कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है, इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना है बस। तो चावल, चावल अगर देखें तो भारत में एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और भारत के 23% हिस्से पर चावल पैदा किया, कुल फसलों के 23% हिस्से पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल का सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल पहले आता है, और विश्व में अगर चावल उत्पादन की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर चीन है, भारत दूसरे स्थान पर आता है, ध्यान रखना। कुल खाद्यान्न में अगर भारत में देखें तो चावल का हिस्सा 42% है। चावल खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है ना। उत्तर भारत में इसका जो मई और जून के समय इसकी बुवाई होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर के समय होती है, और इसको मौसम के आधार पर कुछ शरद ऋतु में बोए जाते हैं, कुछ ग्रीष्म ऋतु बोए जाते हैं। ग्रीष्म काल में बोए जाने वाले चावल है उसकी बोरा कहलाता है, और शरद ऋतु में उसको ओस कहते हैं। इसके लिए जो आवश्यक दशा है वो इम्पोर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय फसल है, तो उष्ण कटिबंधीय तो ऑब्वियसली है, इसको तापमान की जरूरत भी पड़ेगी, तो कितने 24 डिग्री तक का औसत तापमान इसको 24 डिग्री के समथिंग होना चाहिए। और दूसरी बात, उष्णाद्र जलवायु है, इसका मतलब यहाँ पर बरसात की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात वाली बरसात होनी चाहिए, यानी वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक हो, तापमान भी अच्छा खासा हो, और साथ ही जो मिट्टी है वो चिकनी और दोमट हो, वहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। तो चावल खेती के लिए जो अनुकूल दशा है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे स्टेटमेंट दे देंगे आपसे, या पीसीएस में देखेंगे डायरेक्ट भी पूछ लेंगे, यूपीएससी में आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि यह फसल है उष्ण आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, औसत तापमान इतना है, इसके लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात की जरूरत होती है, तथा गहरी उर्वर चिकनी मिट्टी में पाई जाती है, तो निम्न में से कौन सी फसल है, तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको पूछ लेंगे। पीसीएस में सवाल कैसे आएंगे कि चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना चाहिए, 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अच्छा 30 सेंटीमीटर, ऐसे डिफरेंस करके देंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है, तो आपको ये देखना है। इसके बाद गेहूं देखें तो भारत में दूसरी मतलब खाद्यान्न फसल है, ये भी 14% भाग पर बोई जाती है, और गेहूं का उत्पादन एक मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो पंजाब पर हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, हरियाणा में दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। और अगर दुनिया में गेहूं का उत्पादन देखें तो चीन पहले स्थान पर, ध्यान रखें गेहूं के स्थान पर, और भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन भारत करता है। भारत में उत्तर और दक्षिण में इसकी अलग अलग थोड़ा सा टाइम अंतर रहता है, उत्तर में थोड़ा लेट बोया जाता है और दक्षिण में थोड़ा जल्दी बोया जाता है, जैसे अक्टूबर में बोया जाता है उत्तर भारत में और सितंबर बोया जाता है दक्षिण भारत में। यह रबी की फसल के रूप में है, ये मैंने बता दिया। और शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से इसका पाया जाता है, और शीतकाल में जो देखा होगा आपने, जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बरसात होती है या मावट जो होता है उस फसल, ये फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी जो आवश्यक दशाएं है वो देखो, टेम्परेचर, जैसा कि आपको ये पता लग गया कौन सी जलवायु में पाया जाता है, शीतोष्ण, तो शीतोष्ण में ये है, ये हो गया टेम्परेचर 10 से 15 सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, बरसात 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए, और
हल्की दोमट और बलुआ चिकनी मिट्टी की आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है ज्वार, ये रबी और खरीफ दोनों फसलों में बोई जाती है। ज्वार है अफ्रीकी मूल का पौधा है, अफ्रीका में इसका ओरिजिन हुआ था इस पौधे का। सबसे ज़्यादा भारत में देखा जाता है तो महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद एमपी में ये उत्पादित होती है। और प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश सबसे आगे है इसमें। यानी अगर उत्पादन उत्पादकता में अंतर समझते होगे, उत्पादन मतलब टोटल उत्पादन और उत्पादकता मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी उसकी कितनी। आवश्यक दशाएँ देखें तो इसमें 30 से 100 सेंटीमीटर इसकी बार से बरसात जो इसको बरसात उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये टेम्परेचर अच्छा खासा इसको ज़रूरत पड़ती है 26 डिग्री से 33 डिग्री तक। इसके बाद काली चिकनी मिट्टी और हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है और इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय क्यों, क्योंकि एक तो इसको तापमान इतना ज़रूरत पड़ता है तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय फसल है जी। देखो आपको अगर पता लगा है उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय है तो आप अनुमान लगा लोगे कि उस फसल को कितनी तापमान जरूरत पड़ेगी, कितनी बरसात की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक्सपेक्टेड, अगर आपको ये फैक्ट याद भी नहीं रहते तो एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगा करके आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। इसके बाद बाजरा की बात करें तो ये भी अफ्रीका मूल का पौधा है। भारत में खरीफ की फसल के रूप में इसका उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा राजस्थान, दूसरा पे गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र है। बाजरा का सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी देखें तो हरियाणा राज्य प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे है इसमें। उष्ण कटिबंधीय फसल है तो आप इसको अनुमान लगा लोगे कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, बरसात को भी इसको उष्ण कटिबंधीय 40 से 50 सेंटीमीटर बरसात भी चाहिए और बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए। ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। इसमें मक्का है, ये भी खरीफ की फसल है, अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन की दृष्टि देखें तो आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, उसके बाद बिहार और राजस्थान में होता है। मक्का की फसल के लिए आपको देखा होगा ये भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली होगी तो इसमें 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात इसमें ज़रूरत पड़ती है और मिट्टी वही सेम दोमट चिकनी और कांप मिट्टी है उसकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं मूंगफली पर। ये मुख्य रूप से गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद एमपी आता है और मूंगफली के लिए भी 20 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत पड़ती है और 50 से 75 डिग्री बरसात जरूरत पड़ेगी और ये भी हल्की दोमट और बलुई मिट्टी इसमें होनी चाहिए। चना है, रबी की फसल है, उष्ण कटिबंधीय चाहिए तो आप इसको देख सकते हो उष्ण कटिबंधीय, इसका टेम्परेचर इतना हो जाएगा 20 से 25 और बरसात कितनी हो जाएगी 40 से 50। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादक क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन इसका एमपी में होता है। एमपी में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है चने का। इसके अलावा अगर देखें हम कपास का सवाल है, यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया, कपास का एक बार पूछा था, जूट का एक बार पूछा था, है ना, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ये और सवाल ऐसे आते हैं, सवाल का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। पीसीएस में सवाल आएंगे कैसे, पीसीएस में आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि एक चीज़ पूछी जाएगी कि कपास के लिए कितनी बरसात सही है एवरेज, तो ऑप्शन आ जाएगा 50 से 70 या 70 से 90 या 100 से 125 या कितनी सेंटीमीटर, तो उस आधार पर आपको उसका आंसर लगाना है। यूपीएससी में डायरेक्ट इतनी बड़ी कहानी इसकी सुना देगा और उसके बाद नीचे देगा कौन सा सही है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर दोगे। तो कपास उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए होगा, इसमें टेम्परेचर 21 सेंटीमीटर मतलब सेल्सियस डिग्री से और 30 सेल्सियस डिग्री। और इसके अलावा भी भारत में खरीफ की फसल के रूप में होता है और भारत में जो उत्पादन की दृष्टि से देखें कपास का तो भारत में मुख्य रूप से पहले नंबर पर होता है दुनिया में अमेरिका में और दूसरे में चीन में। भारत इसमें सॉरी चीन पहले पे है, दूसरा पे अमेरिका है, भारत तीसरे पे है इसमें। चीन में कपास का उत्पादन पहले पे, अमेरिका दूसरा पे, भारत तीसरे पे है। भारत में अगर कपास का क्षेत्रफल देखें इसकी खेती का तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद गुजरात में, लेकिन इसका उत्पादन देखें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र। क्षेत्रफल यानी कि इतने क्षेत्रफल पर की जाती है और उत्पादन मतलब इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर होता है, तो प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है। कई जगह आपको देखता है पर हेक्टेयर है मतलब 1 क्विंटल हो गया, कई जगह पर हेक्टेयर 2 क्विंटल हो गया, तो वो उत्पादन उस क्षेत्र की मुख्य रूप से उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ कैसी मृदा है, क्या सुविधा है। और पर हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब और हरियाणा बहुत ज़्यादा आगे है इसमें, हालांकि उत्पादन उनमें टोटल उत्पादन को देखे ज़्यादा नहीं होता लेकिन पर हेक्टेयर उत्पादन भी बहुत ज़्यादा आगे। आवश्यक दशाएँ देखें तो 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, 21 से 30 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए और काली मिट्टी कपास के लिए फेमस होती है। मैंने आपको पहले बताया था काली मिट्टी पड़ाने के लिए और पठारी मिट्टी है ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है।
इसके बाद अगर हम इसमें आगे आगे देखें तो एक आते हैं जूट। जूट क्या है? जूट भी एक उष्ण आर्द्र जलवायु है, मतलब उष्ण आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु को अगर देखो डायरेक्ट इसकी ये चीज़ देखने के बाद डायरेक्ट इसकी अनुकूल परिस्थितियों पाओ तो देखो बरसात कितनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर, तापमान कितना चाहिए 24 से 35। तो आपको अगर ये भी चीज़ याद रह गई ना तो इससे आप एक अनुमान लगा लोगे उष्ण आर्द्र जलवायु। तो उष्ण आर्द्र जलवायु जहाँ पर तापमान में अच्छा हो, जब बरसात भी अच्छी हो, तो आपको तुरंत वहाँ अगर पूछ ले कि कितनी बरसात की जरूरत पड़ती है तो आप एक अनुमान लगा लोगे कि अगर अच्छी जरूरत पड़ती है बरसात की तो इसका मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर, और तापमान की तो 24 से 35 सेंटीमीटर तापमान हो गया। जूट है वो भी एक खरीफ की फसल है। विश्व का टोटल जूट का लगभग 66% है भारत उत्पादन करता है, अर्थात जूट में भारत बहुत आगे। भारत में जूट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में होता है, और ये आपको पता है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम वाले जो क्षेत्र हैं इसी में जूट का उत्पादन किया जाता है। और जूट के लिए जो आपको पता है जलोढ़ मृदा की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है गन्ना, तो उष्णकटिबंधीय फसल है ना। उष्णकटिबंधीय होने की वजह से इसको तापमान और आर्द्रता दोनों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए देखा होगा बरसात भी इसमें आर्द्रता के लिए तो 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर बरसात चाहिए, और तापमान कितना चाहिए 26 सेंटीमीटर तक चाहिए, सॉरी 26 सेल्सियस डिग्री तक चाहिए। मृदा है उपजाऊ दोमट मिट्टी हो, जो न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो। और इसका ध्यान रखना जहाँ पर जल की जरूरत हो या जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई होती हो वहाँ पर मुख्य रूप से ये खेती की जाती है। दक्षिण भारत में प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ जो आर्द्रता है वो ज़्यादा होती है, इसलिए गन्ना का जो रस है वो सूखता नहीं है, ठीक है ना। जबकि उत्तर भारत है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है तो वहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है तो सूख जाता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें प्रति हेक्टेयर उपज के हिसाब से तो दक्षिण भारत आगे है। बाकी उत्पादन के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आ जाता है, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है इसके उत्पादन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तंबाकू की बात करें तो तंबाकू के लिए सबसे ज़्यादा भारत में जो तंबाकू होते हैं निकोटिया एस्टिका नाम की तंबाकू है, इसकी जो दूसरी प्रजाति है वो ज़्यादा पाई जाती है, और इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है इसमें। और ये तो ध्यान रखना, ये तो छोड़ देना ये फैक्ट वाला, आपको इतना ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत में किस प्रकार की ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। आवश्यक दशाएँ इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर देखें तो 50 सेंटीमीटर है वार्षिक बरसात होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात इसके लिए कभी कभी इसके लिए हानिकारक हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना तंबाकू के लिए 50 सेंटीमीटर बरसात ज़रूरी है। कभी पाला पड़ जाता है तो वो भी इसके लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसको तापमान की जरूरत पड़ती है 15 से 38 सेंटीमीटर तक। और भूमि है वो लवण और अम्ल युक्त हो तो उसके लिए अच्छी हो जाती है। इसके बाद आता है रबड़, ठीक है ना। रबड़ में आपको बताया उष्ण और आर्द्र जलवायु में पाया जाता है ये। भारत थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद रबड़ उत्पादन में तीसरा देश है। रबड़ का उत्पादन की दृष्टि से भारत में देखें तो केरल पहले पर आता है, तमिलनाडु दूसरे पर आता है, और असम तीसरे पर आता है। केरल दुनिया का मतलब भारत का 92% रबड़ का प्रोडक्शन करता है। इसलिए आपको पता है केरल वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून में पूरी तरह घिरा रहता है, तो वहाँ पर बरसात भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसके लिए 200 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए, 25 से 35 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए, और हल्की अम्लीय मृदा है, लेटराइट मृदा है इसमें होनी चाहिए। तो वो मृदा मुख्य रूप से रबड़ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद चाय, आपको पता है चाय उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है, और छाया में लगाई जाती है, क्योंकि धूप में क्या है इसका जो प्रारंभिक जो चाय का पौधा होता है वो धूप को नहीं झेल पाता है। इसलिए चाय के उत्पादन दृष्टि से देखें तो असम पहले नंबर पर, वेस्ट बंगाल दूसरे पर, और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मुख्य रूप से इसको ढलुआ या पहाड़ी क्षेत्रों में इसको किया जाता है चाय को। इसके लिए बरसात है 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होती है, तापमान भी इसको अच्छा खासा चाहिए, लेकिन इसको छाया में रखा जाता है प्रारंभिक टाइम पर। और इसमें मिट्टी मुख्य रूप से भूरी, अम्ल की प्रचुर मात्रा है उस मिट्टी में होनी चाहिए। इसके बाद नारियल है, आपको पता है तटवर्ती जो जलवायु होता है उसका यह पौधा होता है। नारियल की अगर मैं बात करूं तो नारियल के उत्पादन में और निर्यात में भारत विश्व का प्रथम स्थान पर है, क्योंकि भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर नारियल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन एरिया में नारियल है उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसलिए भारत इसका विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है।
150 सेंटीमीटर इसके लिए बरसात की ज़रूरत पड़ती है, 20 से 25 सेल्सियम डिग्री तापमान की ज़रूरत पड़ती है और मिट्टी होनी चाहिए लेटराइट, ठीक है ना। इसके बाद मसाले हैं, आपको पता है दक्षिण भारत में मसाले के लिए फेमस है। आवश्यक दशा मसाले के लिए आपको पता है, जो आपने देखा होगा मालाबार जो तट है वहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा उत्पादन होते हैं और मालाबार तट पर बढ़िया मात्रा में भारत में बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, इसलिए इसे बरसात 300 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, बहुत अच्छी खासी बरसात चाहिए इसके लिए, और 20 से 30 डिग्री तापमान और अम्लीय और लेटराइट प्रकार की मिट्टी इसके लिए ज़रूरत होती है। तो ये भारत की हमने अभी देखी कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की फसल के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें जो तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो फसल कहाँ पर होती है, दूसरा उसकी अनुकूल परिस्थिति और तीसरा भारत में उसका उत्पादन किस प्रकार का होता है। अगर ये तीन चीज़ आपको इसमें याद करनी है, बस ज़्यादा नहीं करनी है इसको। इसके बाद खनिज है, उनको पढ़ते हैं खनिज संसाधनों को। इसके बाद हम खनिज संसाधन देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल ज़्यादा आता है। खनिज संसाधन देखते टाइम आपको दो तीन चीज़ें ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए, एक तो खनिज है वो कहाँ पाई जाती है, खनिज की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ पर पाई जाती है खनिज, और कोई फेमस लोकेशन है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई क्षेत्र है जो उस खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उस क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि यह क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, तो उसका आपको एक पता होना चाहिए। तो खनिज देखते हैं तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज देखें, तो अधात्विक खनिज आपको ध्यान रखना ग्रेनाइट है, फॉस्फोरस है, पोटास है और गंधक है, हीरा पन्ना नीलम, ये है, ये मुख्य रूप से एक बार की नज़र मान लेना। कई बार डायरेक्ट सवाल ही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी खनिज धात्विक नहीं है, चार पांच दे देंगे, या कौन सी खनिज अधात्विक नहीं है, तो वहाँ से आपको सवाल मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं लोहा। लोहा ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है लोहा, और लोहा अयस्क के आधार पर देखें, लोहा एक अयस्क है, तो इसमें लोहे की मात्रा के आधार पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क है उसमें लोहा का अंश सबसे ज़्यादा होता है, फिर हेमनेटाइट, फिर लेमोनाइट और फिर सेडेराइट। ये आपको एक सिक्वेंस ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट है उसमें मुख्य रूप से लोहा अयस्क पाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा हेमनेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद लोहा अयस्क क्षेत्र है, इसमें आपको ध्यान रखना एक तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट याद रह जाए तो स्टेट याद कर लेना छत्तीसगढ़ कर्नाटक ये वाला, और इसमें एक दो अगर ज़िले हैं फेमस है जैसे सिंहभूमि लोहा इसके लिए फेमस है तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा बाबा बुदान की पहाड़ी हो गई, ठीक है ना, तो ये दो तीन चीज़ें आपको इतना से याद रखना है बस। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन लोहा इसके भंडार है वो कर्नाटक में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, ठीक है ना। तो संचित भंडार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है और उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, इसलिए उड़ीसा और कर्नाटक की जो क्षेत्र है इनको भी एक बार ध्यान रखें ना कि कोजर जो क्षेत्र है उड़ीसा का, ये हो गया बोनोई हो गया, बादाम की पहाड़ियाँ है वो किसके लिए लोहा अयस्क के लिए फेमस है। इसी प्रकार पूछ लेते हैं आपसे कि बाबा बुदान की पहाड़ी किसके लिए फेमस है, कुंद्रेमुख की पहाड़ी किसके लिए फेमस है, कुंद्रेमुख जगह आपको पता है सर्वोच्च चोटी है कुंद्रेमुख, है ना। तो एक कर्नाटक ये आप देखेंगे यहाँ कर्नाटक पठार के पास तो वहाँ पर कुंद्रेमुख है, वो एक चोटी है, तो वहाँ वो किसके लिए फेमस है, ऐसे सवाल आएंगे तो वो आपको पता होना चाहिए कि बाबू ये लोहा इसके लिए फेमस है। इसके बाद आपको पता है मैग्नीज है, तो मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा आपको पता है उड़ीसा के क्यूजर जगह वो बहुत फेमस है उड़ीसा का, और इसके अलावा सिंह भूमि ये भी उड़ीसा का मतलब झारखंड का सिंह भूमि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सामान्यतः ऐसे देखते हैं कि लोहा और मैग्नीज वाली जो है वो मुख्य से आस पास पाया जाता है क्योंकि लोहे के साथ मिश्र धातु के रूप में इसका यूज भी किया जाता है, लेकिन कई बार इनका जो उन क्षेत्रों में उत्पादन ज़्यादा होता है जहाँ पर नॉर्मली लोहा का भी पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार है उड़ीसा में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन आजकल इसका हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है ना। पहले वाले को तो नाम आपको याद होना चाहिए कम से कम क्योंकि उसके सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का आपको पता है बॉक्साइट आयस का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है, ये एल्युमिनियम से है इसका, और इसके अलावा इसका उत्पादन क्षेत्र का देखोगे तो अगर दो तीन जगह फेमस है वो ध्यान रखना, जैसे बिलासपुर है इसका, कालाहांडी ये उड़ीसा का फेमस है, जबलपुर कटनी एमपी में, है ना। तो ये किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए, और सबसे ज़्यादा संचित भंडारों में देखें तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश और गुजरात है, और उत्पादन दृष्टि से देखें तो उड़ीसा और गुजरात है। तांबा है वो मुख्य रूप से कोडप्पा और अरावली पर्वत श्रृंखला के टाइम पर है, तो डेफिनेटली अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से गुजरती है तो इसलिए तांबा सबसे ज़्यादा खा पाया जाएगा राजस्थान में, खेतड़ी वाला क्षेत्र वो फेमस है राजस्थान का। और दूसरे नंबर पर एमपी, एमपी में बालाघाट जो जिला है, मजलघंट जो जगह है एमपी की उसमें, और झारखंड,
इसलिए इसमें ध्यान रखना, उत्पादन दृष्टि से देखें तो राजस्थान पहले नंबर पर आता है संचित भंडारों की दृष्टि से, और उत्पादन दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो चांदी है, इसका दो तीन क्षेत्र आपसे पूछ लेंगे कि जवार क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो आपको ध्यान रखना चांदी है, ये मुख्य रूप से शीशा और तांबा के साथ मिश्रित रूप में मिलता है, आपको पता है। तो राजस्थान का जवार क्षेत्र है वो चांदी के लिए फेमस है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कोडप्पा गुंटूर वाला क्षेत्र है वो चांदी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और सबसे ज़्यादा चांदी की अगर देखें तो राजस्थान में इसके भंडार भी है और उत्पादन भी राजस्थान में होता है। अभ्रक है विश्व का भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश भी है। अभ्रक है वो मुख्य रूप से झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और राजस्थान इसके भंडारों में सबसे आगे है और उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। सोना है देश, आपको पता है देश का सबसे ज़्यादा, जो आपने KGF मूवी देखी होगी तो KGF मूवी में जो कोलार वाली खान है वो आपको पता है सोने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वो कर्नाटक में पाया जाता है। इसके अलावा ये सुवर्णरेखा नदी, सोन नदी की जो बालू क्षेत्र है वहाँ पर सोना पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक इसमें आगे है। इसके बाद अन्य खनिजों में ज़्यादा फेमस सवाल इसमें नहीं आते, इनको तो छोड़ देना, इनके सवाल बहुत रेयर ही पूछते हैं, एक बार चाहो तो आप नज़र निकाल लेना, डायरेक्ट इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे इनसे कि कहाँ पाए। लेकिन इसमें एक और आएगी आपको सबसे ज़्यादा, ये थोरियम वाला, ये बहुत करंट में रहता है थोरियम, तो ये थोरियम है, ये आपको पता है मोनोजाइट और एल्मिनाइट थोरियम है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान में संगमर किसमें ज़्यादा फेमस है, राजस्थान में ग्रेनाइट कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तमिलनाडु में है ना, डोलोमाइट कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। एक देश का मतलब एक एक प्रदेश का इन हर जो खनिज है उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है वो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है बस, कि पेल्स पार्क कहाँ पर पाया जाएगा सबसे ज़्यादा राजस्थान में, ठीक है ना। तो यूरेनियम और इनको पढ़ते हैं आप थोरियम को, क्योंकि परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कच्चे माल के स्रोत हैं, और वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इनको देखते हैं। तो थोरियम की अगर मैं बात करूँ तो थोरियम मोनोजाइट और एल्मिनाइट से प्राप्त होता है। विश्व का थोरियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, भारत में। जिस दिन हम परमाणु ऊर्जा थोरियम से बनाने लग जाएंगे हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और देश से लेने की, लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्निक डेवलप नहीं हुई कि हम थोरियम से ऊर्जा डेवलप कर सकें, उसका प्रोसेस काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर थोरियम से हम ऊर्जा जनरेट करने लग गए तो हमारे पास दुनिया में सर्वाधिक भंडार किसके, थोरियम के, तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। केरल में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कोल्लम और पलकट्टा जो जिले हैं उनमें यह सर्वाधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। थोड़ा बहुत इसके भंडार है तमिलनाडु और झारखंड में पाए जाते हैं। यूरेनियम है, ये भी आपको पता है परमाणु ऊर्जा के लिए स्रोत है, ये मुख्य रूप से झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। झारखंड का जादू गोड़ा जो क्षेत्र है ये फेमस है यूरेनियम के लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जादू गोड़ा क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। इसके बाद ऊर्जा के संसाधनों में आते हैं तो आपको ये तो जानते होंगे नवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा, तो अनवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत जो कोयला है जिसे काला सोना भी कहा जाता है, आपको पता है मैंने बताया था कि जब आपने देखा होगा फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जब हम युग पढ़ रहे थे तो गोंडवाना काल की जो चट्टान है उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो शहर वो कोयला है वो पाया जाता है। कोयला का ये चीज़ थोड़ा सा एक बार परी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परी के लिए चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, कि कोयला सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है वो पीट है जिसे निम्न श्रेणी का कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। लिग्नाइट है जिसे बुरा कोयला भी कहा जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 40-60% होती है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र बहुत फेमस है इसके लिए, और असम और पश्चिम बंगाल में सीमित मात्रा में पाया जाता है लिग्नाइट श्रेणी का कोयला। बिटुमिनस कोयला जिसे काला कोयला भी कहा जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 60-80% होती है, और ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पाया जाता है। इसके बाद एंथ्रेसाइट की मैं बात करूँ तो ये कठोर कोयला होता है और सर्वाधिक उच्च श्रेणी का कोयला इसको माना जाता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है भारत में। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो फेमस है कोयले के लिए, जैसे रानीगंज है ना, जैसे बीरभूमि, जैसे झारखंड का झारिया जिला, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का ये गोदावरी घाटी, तो ये मुख्य रूप से कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ आपको एक बार पता होनी चाहिए। वो ये कोयले का भंडारण झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले से ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, ये कौन कौन से क्षेत्र में। तो नेवेली की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तलचर उड़ीसा में है, रिहंद आपको पता है उत्तर प्रदेश में रिहंद है, सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश में ही है, फेमस है ये तो, और रामगुंडम ये आंध्र प्रदेश में है,
नाम से भी आप आईटी लगा लोगे ऑप्शन के हिसाब से। तो ये कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इसके बाद पेट्रोलियम में आपको देखा है, पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। और भारत की जो पेट्रोलियम क्षेत्र है उसमें बम्बई हाई जो अरब सागर में पाई जाती है, बम्बई से लगभग देखोगे आप तो 110 किलोमीटर अरब सागर में जाओगे तो वहाँ पर बम्बई हाई पाई जाएगी। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में भारत में तेल के भंडार मिले हैं। गुजरात वाला क्षेत्र है, जैसे अंकलेश्वर बहुत फेमस है, खम्बास की खाड़ी तेल के लिए फेमस है। असम घाटी की अगर मैं बात करूँ तो डिगबोई, डिगबोई है सबसे प्राचीन तेल का उत्पादन का भंडार भारत में डिगबोई है, और सबसे ज़्यादा प्राचीन काल से इसका मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब प्राचीन नहीं 100-150 पहले सबसे जो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक टाइम में भारत का जो तेल का भंडार यूज किया गया था वो डिगबोई से किया गया था। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसन में मुख्य रूप से, उन नदियों की जो बेसन में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत देखें तो राजस्थान का, आपको राजस्थान का बीकानेर बाड़मेर तो फेमस ही है इसमें। अगर उत्पादन के आधार पर देखें तो अपतटीय क्षेत्र यानी जो तटवर्ती क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र है, अरब का क्षेत्र, अरब की जो अरब अरब सागर में जो वो बम्बई हाई है तो उसको बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। तो अपतटीय क्षेत्र हो गया पहला इसका उत्पादन में, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा गुजरात हो गया, और भंडारण में देखें तो अपतटीय क्षेत्र, दूसरा असम और तीसरा गुजरात। प्राकृतिक गैस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी नॉर्मली वहीं पर पाई जाएगी जहाँ पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं, तो वही हो गया अपतटीय क्षेत्र में इसका प्राकृतिक भंडारण में, और प्राकृतिक उत्पादन भी इसका गैस का, प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी आपको पता है अपतटीय क्षेत्रों से ज़्यादा किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा में ये सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको याद रखने इनके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं मिलान के लिए कि कौन कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है। तो तारापुर आपको पता है महाराष्ट्र में है, रावतभाटा आपको पता है राजस्थान में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नैरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, और कुडनकुलम तमिलनाडु में, और कारापार सूरत में। ये आपको एक बार ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा इनको तो आप अगर याद करो भारी जल संयंत्रों को तो याद जाए तो ठीक है, बाकी इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाले हैं। जल विद्युत परियोजना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर बनी और कहाँ पर है। इनको एक बार सारी जल विद्युत परियोजना को सरसरी निगाह से निकालना क्योंकि यूपीएससी में कहीं से भी सवाल उठा देते हैं, या पीसीएस में आप देखो कहीं से भी एक सवाल पूछ लेते हैं इन जल विद्युत परियोजना संबंधित। तो आप इनको देख लेना, मैं कुछ का नाम आपको बताता हूँ। जैसे ये तुलबुल बहुत फेमस है, झेलम नदी पर है, उरी झेलम नदी पर है, और बगलिहार ये चनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में चमेरा बहुत फेमस है रावी नदी पर, और ये पंजाब की भाखड़ा परियोजना है वो सतलज नदी पर बहुत फेमस है। इसके अलावा रिहंद यूपी की बहुत फेमस है। इसके अलावा ये नर्मदा सागर, इसमें विरोध भी हुआ था इसलिए ये बहुत फेमस हो गई। इंदिरा गांधी इंदिरा सागर है, ये भी अच्छी खासी फेमस है, इसको देख लेना। ये राजस्थान की दोनों अच्छी खासी फेमस है, इनको भी देखना। इसके अलावा हीराकुंड है ओडिशा की, बहुत फेमस है क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हीराकुंड परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना है सिंचाई के लिए, इनका विकास किया गया था इसलिए बहुत फेमस है ये। इसके अलावा शिव समुद्रम तो कावेरी नदी पर है। इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखिए कि एक तो ये कहाँ पर है और किस नदी पर है। जैसे निजाम सागर परियोजना है मंजरा नदी पर है, नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम है वो कृष्णा नदी पर, और ये सारी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है किस जगह पर है और कौन सी नदी पर बनी हुई है, यहाँ से भी सवाल आने की संभावना रहती है। इसके बाद आते हैं हम इस ज्योग्राफी की श्रेणी आगे बढ़ते हुए, इसमें भारत के उद्योगों पर आते हैं। अब भारत के उद्योग हैं, उनके उद्योगों की स्थापना के लिए आपको पता है क्या क्या अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरत होती है। तो एक तो कच्चा माल आपको पता है उद्योगों के लिए चाहिए, उद्योगों के कच्चा माल को मैन्युफैक्चर करने के लिए एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उसमें लेबर जल की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ार होना चाहिए बिकने के लिए, है ना। ये कारक है उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा ये देखना कि सबसे पहले हर उद्योग की सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई थी और किस समय की गई, थोड़ा सा याद रह जाए तो कोशिश करना इसमें। जैसे लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहले 1874 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है ना। एल्यूमिनियम उद्योग 1837 में भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। सीमेंट उद्योग है ये चेन्नई में हुआ था 1904 में। रासायनिक उर्वरक उद्योग है ये भारत में मुख्य रूप से 1906 में इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु में। जहाज रानी है ये बाईजैक में हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग है कलकत्ता में, आपको पता है पहले सूती वस्त्र मिल बनी। जूट उद्योग है ये भी आपको पता है कलकत्ता में होगा। ऊनी वस्त्र उद्योग है ये भारत में कानपुर में। तो ये आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले है भारत में स्वतंत्रता से पूरी जो उद्योग है, हालांकि अंग्रेज़ों की बणिकवादी नीति या उपनिवेशवादी नीति से हमारे यहाँ उद्योग ज़्यादा डेवलप तो नहीं हो पाए लेकिन कुछ शुरुआत जरूर हुई थी,
इसमें। इसके बाद अब एक एक उद्योग को अगर आपको देख रहे हैं तो उस उद्योग में क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो उसका कौन सी जगह फेमस है, ठीक है, और दूसरी बात वो अगर हो सके तो कोई पहले सबसे पहले कहाँ पर स्थापित थी, अगर इतना हो सके तो ये आपको पता लगन होना चाहिए। तो आपको बताए लोहा इस्पात उद्योग की मैं बात करूँ तो लोहा इस्पात उद्योग में परिवहन ये सामान्यतः कच्चे माल के क्षेत्रों के पास ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में बहुत ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है और कच्चे माल आपको चाहिए इसमें लोहा में, एक तो लोहा इसको है, एक कोयला हो और चूना पत्थर हो, ये मुख्य रूप से इसमें कच्चे उत्पाद के रूप में यूज होते हैं। भारत में अगर देखें तो 1874 में अंग्रेज़ों ने की और हमारे यहाँ 1907 में जमशेदपुर जी जो टाटा है उसके द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो औद्योगिकरण पर फेमस थी, तो उसमें तीन ये हैं, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुरा जो पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला, ये स्थापित हुई थी। लेकिन किस किस के सहयोग से स्थापित हुई यही सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो भिलाई है ये रूस के सहयोग से स्थापित हुई, दुर्गापुरा ये ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जो लोहा इस्पात उद्योग है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो जो झारखंड में है, ये चार जगह है ये बहुत फेमस रही है, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो, ये भारत के लोहा इस्पात उद्योग के स्पोर्ट माने जाते हैं, हॉट स्पॉट बोल सकते हैं इसको, हाईएस्ट उस पर प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसके अलावा ये इतनी लोहे इस्पात उद्योग दे रखा है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ये क्या क्या है इतनी कहानी छोड़ देना, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि कुल्टी, बुरनर, हीरापुरा ये कहाँ पर पाया जाता है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, इतने से ही काम चल जाएगा। टाटा आयरन स्थापित कहाँ है, पे जमशेदपुर में है, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, दुर्गापुरा है वो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया, इतना पढ़ लो बस, ये कहानी है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो और चाहो तो एक बार नज़र से निकाल सकते हो, बाकी यहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा नहीं रहती। अगर कोई चीज़ ऐसे है कि स्वर्ण ये नदियों के किनारे हैं तो वो अगर आपको लोकेशन याद रह जाए तो ठीक है, बाकी जितना हो सके आप इनका लोकेशन ज़रूर याद रखना कि बोकारो इस्पात इंडस्ट्री कहाँ पर पाई जाती है। और ध्यान रखना ये जो लोहा संयंत्र उद्योग है ये सामान्यतः नदियों तटों के पास बहुत ज़्यादा है, तो इनकी अगर कोई नदी और है तो वो याद रख लेना, जैसे बोकारो दामोदर नदी के तट पर पाया जाता है, दुर्गापुरा ये भी दामोदर नदी के पास पाया जाता है, ठीक है ना। अगर भिलाई की बात करूँ तो यहाँ तंदुला बांध है, इतना चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखनी, बाकी झेलम है तमिलनाडु में, झेलम नहीं सेलम, सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम में या आपको पता है इसका तो जवाब पूछेगा नहीं क्योंकि नाम से डायरेक्ट पता लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में, और विजयनगर है वो मुख्य रूप से कर्नाटक में, इतना ही आपको पता रखना है बस, ज़्यादा इनके बारे में इतना ज़्यादा गहराई से अंदर से नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा, इतना ही आपसे पूछने की संभावना रहती है कि कौन सा इस्पात है उद्योग है वो कब स्थापित हुआ और कहाँ पर स्थापित हुआ। इसके बाद एल्युमिनियम उद्योग में तो जो सेकेंड 5-year प्लानिंग के अंतर्गत स्थापित किया गया वो एक तो हीराकुंड है जो उत्तर प्रदेश में है, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं ओडिशा में, हीराकुंड, और एक है रेणुकूट जो उत्तर प्रदेश में है। भारत में इसके अलावा सरकारी कंपनी भी है जैसे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये दो सरकारी कंपनी है जो एल्युमिनियम सेक्टर में अपना उद्योग चलाती है। सबसे पहले भारत में जे के नगर पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से इसका उत्पादन सबसे पहले फैक्ट्री लगाई गई थी, और ये एल्युमिनियम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसको बड़ी मात्रा में विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सामान्यतः ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा लगाए जाते हैं जहाँ पर विद्युत सस्ती उपलब्ध हो सके। इसके अलावा ये तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सीमेंट उद्योग पर। सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है ये, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश सीमेंट उद्योग, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर फेमस है, इसलिए इन उद्योगों का सर्वाधिक विकास है वो मध्य प्रदेश में ही हुआ, विकास तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इनका हुआ था। और प्रमुख सीमेंट उत्पादक अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। और इसमें सीमेंट उत्पादन में थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, भारत दुनिया में द्वितीय स्थान पर आता है, चीन पहले स्थान पर आता है, और भारत में मध्य प्रदेश का रोल बहुत ज़्यादा है सीमेंट उत्पादन के अंतर्गत, पहले पे मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश है इसमें। और अगर सर्वाधिक सीमेंट देखें हम संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में, तमिलनाडु में है। ये सीमेंट उद्योग से सवाल इतनी आने की संभावना रहती है, ज़्यादा सवाल नहीं आएगा सीमेंट उद्योग से। इसके बाद आता है सूती वस्त्र उद्योग, इसमें से सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है सूती वस्त्र उद्योग से। तो सूती वस्त्र उद्योग आपको पता है भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 1854 में मुंबई में लगाया था अंग्रेज़ों के टाइम पर, और इसके लिए आपको पता है कच्चे माल आधारित उद्योग है, क्योंकि कच्चे माल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है,
इसलिए मुख्य रूप से ये ज़्यादातर है कच्चे माल के क्षेत्र के पास स्थापित किए जाते हैं, लेकिन कई बार इसको बाजार की भी जरूरत होती है, तो कई बार बाजार के पास जरूर स्थापित कर दिए जाते हैं। इनका उद्योग का वितरण देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे है इसमें। महाराष्ट्र में बम्बई और गुजरात में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे और केंद्र है भी आज, और इसलिए ध्यान रखना सूती वस्त्र उद्योग की बम्बई को राजधानी बोलते हैं और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बॉस्टन भी कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर भी जो इंग्लैंड में है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस जगह थी, तो उसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु है, वो सूती वस्त्र उद्योग दुनिया की मतलब भारत की लगभग 45% जो सूती वस्त्र उत्पादन करने वाली जो मिल है वो तमिलनाडु में है, और कोयम्बटूर फेमस है किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल में होता है इसका, उत्तर प्रदेश में भी है, तो ये प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग होता है। सूती वस्त्र के उत्पादन का महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इनका आपको ध्यान रखना है। और सूती वस्त्र उत्पादन में भारत विश्व का दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। इसके बाद आता है चीनी। चीनी उद्योग आपको पता है गन्ने, भारत में चीनी सामान्यतः गन्ने से उत्पादित की जाती है, जबकि यूरोप में इसको चुकंदर से उत्पादित किया जाता है। 1903 में पहले सबसे पहले यूपी के इलाके में इस चीनी फल, यूपी और बिहार है इनके इलाके में चीनी उद्योग लगाए गए थे। उसके बाद अगर देखें सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं आपको पता है उसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, और इसलिए यूपी में इसका आपको पता है गन्ने का उत्पादन चीनी मिल है। वो दो प्रमुख क्षेत्र है, एक तो गंगा यमुना दोहाब और एक उत्तरी पूर्वी तराई क्षेत्र जो गोरखपुर वाला देवरी वाला जिला है वो वाला क्षेत्र इसमें है। महाराष्ट्र में आपको देख सकते हो गोदावरी कृष्णा कावेरी वाला क्षेत्र है वो, तमिलनाडु भी इसके उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर भारत में देखें तो दक्षिण के पठार की काली मृदा जो गन्ना के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होती है वहाँ पर भी, दक्षिण भारत में कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में धीरे धीरे इनका विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा है सूती वस्त्र मतलब चीनी वस्त्र उद्योग चीनी उद्योगों का। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ एक गन्ना होता है वो आर्द्र होता है, मतलब आर्द्र जलवायु वहाँ पर, तो गन्ने में रस भी ज़्यादा होता है। दूसरा है ना, वहाँ पर दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कोऑपरेटिव जो मिल है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इससे भी वहाँ पर इनको स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग बहुत मिलता है, इसलिए दक्षिण भारत में चीनी उद्योग ज़्यादा डेवलप है। इसके बाद तो जूट उद्योग आता है। जूट उद्योग की बात करूँ तो जूट उद्योग का केंद्र मुख्य रूप से अंग्रेजों के टाइम पर मुख्य रूप से बंगाल था, लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ और ये पाकिस्तान चला गया तो एक दिक्कत खड़ी आ गई, क्योंकि जितना जूट का उत्पादन होता था वो होता था कहाँ पर, पूर्वी बंगाल में, और जूट की फैक्ट्री थी वो थी पश्चिम बंगाल में। अब विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल चला गया कहाँ पर, बांग्लादेश में, और अब रह गए हमारे पास पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल क्षेत्र, तो वहाँ पर जूट का उत्पादन में हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कागज़ उद्योग का तो कोई ज़्यादा सवाल आने की संभावना रहती नहीं, लेकिन ध्यान रखना कागज़ उद्योग में अगर आप देखोगे तो प्रमुख कागज़ उत्पादक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र है। एक रेशम उद्योग जो सबसे लास्ट में रेशम उद्योग को देख रहे थे एक बार, रेशम उद्योग की अगर मैं बात करूँ तो रेशम उद्योग है वो पहली अवस्था आपको पता है रेशम उद्योग में रेशम से एक रेशा निकालना, और दूसरा इसके लिए आपको पता है दो चीज़ इसमें होती है, एक तो रेशम और दूसरा उससे कपड़ा बनाना। रेशम से रेशा उगाने के लिए आपको रेशम कीट का पालन करना, रेशम कीट पालना पड़ेगा, फिर उससे रेशा निकालना पड़ेगा, और दूसरा उससे कपड़ा बनाना, तो ये दो चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत में रेशम के प्रकार, तो रेशम चार प्रकार के रेशम के प्रकार उत्पादित किए जाते हैं, सैतूती, मूंगा, टसर और अरंडी। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है किसका ज़्यादा होता है, तो मालवेरी होता है इसको सैतूती भी बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो भारत में रेशम का उत्पादन होता है वो 79% होता है वो सैतूती से होता है, एरी का 13.5% होता है, टसर उसके बाद आता है, और कच्चा रेशम है वो सबसे कम होता है। तो इस तरीके से भारत में रेशम इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। इसके अलावा ये उत्पादन क्षेत्रों को अगर देखें इसमें तो भारत में रेशम इंडस्ट्री है वो मैसूर, बेंगलोर, कोयम्बटूर, वाराणसी, तिरुपति, ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से रेशम के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। तो ये आज हमने जो चीज़ देखी, भारत की मिट्टी देखी, फिर भारत की कृषि देखी, ठीक है ना, फिर भारत की मतलब उद्योग देखा है ना, फिर भारतीय खनिज देखें, ये चार चीज़ें यहाँ से आपको चार सवाल तो मिलेंगे हर एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसकी पॉसिबिलिटी का आपको चार सवाल मिलेंगे। इसलिए कोशिश करो कि इनको अच्छे से याद करने की कोशिश करो, और जो जो चीज़ इसमें मैंने हाईलाइट करी है या जो जो चीज़ आपको मतलब बताइए वही पढ़नी है। इसमें वैसे तो बहुत चीज़ें रखें, बाकी चीज़ों से तो आप एक बार नज़र से निकल जाना।
जो चीज़ बताई है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और सवाल का पैटर्न क्या रहेगा वो मैंने बता दिया है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ हमारी जो ज्योग्राफी का जो चीज़ है अब हम मैपिंग को देखेंगे, बाकी ज़्यादातर चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी है। ओके, धन्यवाद।